हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग फरवरी की। जी हाँ, देखते देखते फरवरी का मंथ आ गया है और कई सारे बदलाव लेकर ये आ रहा है। तो ऐसे तो ये साल 2023 सभी राशियों के लिए खास है, बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि 2022, 2021, 2020 काफ़ी सारे दुख तकलीफ़ों से भरा था और सभी के लिए था। और इस साल में जो वाइब है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अच्छी है, बिल्कुल भी ख़राब किसी के लिए नहीं है। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो कि ओवरऑल एनर्जी है इस साल की। तो आज की ये जो रीडिंग है जो मैं करने जा रही हूँ फरवरी 2023 की, ये मैं करने जा रही हूँ कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए। और देखने की कोशिश करूँगी कैसा रहने वाला है फरवरी आपके लिए। लाइव शफलिंग है फ्रेंड्स, तो लाइव शफल जब मैं करूँगी तो सारे ही मेजर इवेंट्स को मैं कवर करने वाली हूँ, जिसमें कि सबसे पहले मैं मेजर आर्काना से कार्ड निकालूंगी और यहाँ पे मैं देखूंगी सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप। अगर आप मैरिड हैं और मैरिड है सिंगल है तो क्या है रिलेशनशिप आपका, कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप आपके लिए, ओवरऑल मैसेज क्या आ रहा है रिलेशनशिप में। देखिए, मैं लव रीडिंग नहीं कर रही, मैं ज़रूर बताऊंगी, ना मैं पर्टिकुलरली करियर रीडिंग कर रही हूँ, मैं ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ आपकी कि कैसा रहने वाला है फेब में। ऑलराइट, ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये ओवरऑल एनर्जी है कि आपको किस बात का ध्यान रखना है और किस बात को लेकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो रीडिंग जनरल है और जनरल एसपी है, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, तो मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी। तो सबसे पहला कार्ड मदर यूनिवर्स मैं निकालना चाहती हूँ आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ को लेकर। तो एक कार्ड मुझे दे दीजिए। ओके, ये आपके रिलेशनशिप को लेकर है। अब आपके करियर को लेकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, योर करियर इन फरवरी 2023। ऑलराइट, अब आपके हेल्थ को लेकर एक कार्ड, योर हेल्थ। ऑलराइट, दिस इज फॉर योर हेल्थ। एंड वी हैव दी ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसे रहने वाली है। चलिए, ये हो गई ओवरऑल एनर्जी फरवरी के लिए आपके लिए। ऑलराइट, बॉटम देख लेते हैं। टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, चलिए अब हम एनर्जी ओरेकल से भी कार्ड देख लेते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है आई गेस। तो ये हो गया आपके रिलेशनशिप को लेकर। ऑलराइट, आपको दिख रहा होगा, राइट? लेट मी चेक। हाँ जी, ऑलराइट। अब ले लेते हैं आपके करियर को लेकर एक कार्ड। ओके, ये खुद से आ रहे हैं आपके लिए कार्ड्स, तो बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी, एंजल्स खुद ही कार्ड भेज रहे हैं आपके लिए। अब आपके ओवरऑल हेल्थ को लेकर, ओके, थैंक यू। ये आपके हेल्थ को लेकर कार्ड है गाइस। और एक आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं हम आपके लिए क्या आया है। वी हैव हैप्पी फैमिली, वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया है। आई एम सो सॉरी, बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए गाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब मैं कार्ड निकालूंगी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से और फिर हम बाद में टैरो देखेंगे और गाइडेंस भी लेंगे, चैनल मैसेजेस भी हैं वो भी हम लेंगे। रीडिंग थोड़ी लंबी होगी इसलिए मैंने सोचा अलग अलग ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस बनाने में ना बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के लिए, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, कोई रिलेशनशिप को लेकर जानना चाहता है, तो मैंने एक ओवरऑल वीडियो ही बनाया है कि पूरा फरवरी का मंथ जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये है आपके लिए फिर रिलेशनशिप को लेकर यूनिवर्स का मैसेज। ओके जी,
आपके करियर के लिए ये है करियर का। ऑलराइट, आपके हेल्थ को लेकर एक मैसेज मुझे चाहिए। ग्रेट, ओ माय गॉड, यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं, ओ माय गॉड, बहुत सारे मैसेजेस आपको देना चाहती है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं आपके ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। यहाँ से तो ओवरऑल एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी आई है। चलिए देखते हैं यहाँ बॉटम से क्या आया है। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, चलिए नाइस। अब हम देख लेते हैं कार्ड्स। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला था आपको, हम सबसे पहले रिलेशनशिप से देखेंगे। तो रिलेशनशिप चाहे फैमिली के लिए देख रहे हो आप, लव रिलेशनशिप देख रहे हो, ऑलरेडी किसी के साथ हो उसको लेकर देख रहे हो, जो भी है रिलेशनशिप उसको लेकर, तो मेजर आर्काना का कार्ड आपके लिए आया है द स्टार। मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है और ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है ना कि ख्वाहिशें बहुत हैं आपकी ज़िंदगी में। ख्वाहिशों का मतलब ऐसा ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, यानी कि वो जो एक सपनों में आता हो या आती है, या फिर ख्वाब से भरा हुआ कोई ऐसा एक इंसान जिसे मैंने ख्वाबों में देखा है और जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, बट वो है भी और नहीं भी, तो मुझे ये कहीं ना कहीं एक शायरी वाली वाइब्रेशन दे रही है आपके लिए। लेट मी टेल यू, ऐसा हो सकता है ना कि आपके रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप सिंगल हैं या फिर अगर आप किसी की तलाश कर रहे हैं, तो पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, और ये कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है, स्टार का कार्ड, यानी कि आपके मन में कोई तो है, किसी की तस्वीर आपके मन में है और उस पर्सन को कहीं ना कहीं आप मन से बहुत ज़्यादा पुकार रहे हो, चाह रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो आप महसूस कर रहे हो, जिसमें बैलेंस नहीं हो पा रहे और उस कमी को आप पूरी करना चाहते हो। अगर आप कमिटेड हो किसी पर्सन के साथ, तो मुझे ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दे रहा है ना कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में होती है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, कुछ बातों को लेकर नोकझोंक हुए हैं, काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से ये मांगते हुए फिर रहे हो, स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेकर, कि मुझे बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, आई वॉन्ट दैट बैलेंस इन माई लाइफ। और ये आपकी ख्वाहिश भी है। अगर आप मैरिड हो किसी के साथ, तो एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी फैमिली में ग्रोथ आए, आपने हो सकता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया, आप और आपके हस्बैंड या फिर आप और आपकी वाइफ, हो सकता है बहुत काम कर रहे हो, काम में ही सारा टाइम चला है, तब आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ से आए हैं इनडिसिजन, ऑलराइट, और यूनिवर्स के तरफ से जो मैसेज आया है, लेट्स सी, रिजेक्शंस, ऑलराइट। तो यस, जैसे कि मैं बोल रही थी कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रही है, तो कहीं ना कहीं जो फरवरी का मंथ है, इसमें जो फैसला आप नहीं ले पा रहे थे, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि शादी कब करनी है या फिर फैमिली को कब बताना है, या फिर फैमिली को लेकर अगर कोई भी इशू चल रहा है, अगर आपके लव लाइफ को लेकर मैं बात करूं, तो वो रिजॉल्व होंगे, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्रॉस चेक करें कि आपका जो पार्टनर है, आपके जो भी पार्टनर है, वो क्या अग्री टोटली करते हैं या फिर सिर्फ आपकी खुशी के लिए वो इस चीज़ में है। ये चैनल मैसेज आ रहा है आपके लिए, तो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यानी कि कमिटेड हैं या फिर मैरिड हैं, उनके लिए भी एक और मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है ना कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो साथ बैठकर मिलकर पहले बात कर ले, क्योंकि अच्छा बनना, अगर आप इस कार्ड को देखें ना, मुझे इस कार्ड से ही मैसेज आ रहे कि एक होता है हम अच्छे बन रहे हैं एक दूसरे के सामने, मन में कुछ और है और हम बोल कुछ और रहे हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी कि किसी का मन रखने के लिए आप कोई काम कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस ये भी है कि अगर आप अभी प्रेगनेंसी में नहीं जाना चाहते, या फिर अगर अभी आपको फैमिली प्लानिंग नहीं करना, या फिर अगर आपको करना है, तो प्लीज़ खुल के बात कीजिए।
आप अगर ये सोच लोगे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाला हर्ट हो जाएगा, मैं सामने वाले का दिल नहीं तोड़ सकता या तोड़ सकती ना, फिर प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को सेल्फ इनवाइट मत कीजिएगा फरवरी में, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का, बैलेंस का, हैप्पी फैमिली और अंडरस्टैंडिंग का ओवरऑल एनर्जी आया है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है क्लैरिटी की, कि अब तक आप जैसे भी चल रहे हो अपने रिलेशनशिप में, उसमें आपने क्लैरिटी नहीं दी है, हमेशा दूसरों की खुशी को प्रायोरिटी में रखा है। दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या समझ रहे हैं, मुझे अपनी इमेज साफ रखनी है, मुझे अपनी इमेज को क्लियर रखना है, मुझे अपनी इमेज के साथ कुछ गलत नहीं होने देना है। आपने हमेशा अपनी इमेज को इम्पोर्टेंस दिया है। यहाँ पे बात हो रही है कि अपनी इमेज को साइड में करके क्या सही है उस बारे में बात करें। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़े, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी, जस्टिस, वाओ जस्टिस, ओके, कर्म का फल मिलेगा, नाइस, वी हैव एडजस्टेड पॉसिबिलिटीज, ऑल राइट। और यहां से आया है अलोननेस। काफी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना कि रिसेंटली, कुछ महीने पहले, हो सकता है आपने जगह बदली है, हो सकता है आप जहाँ पे थे वहाँ से आपने अपने स्थान को परिवर्तन किया है अपने काम के लिए, और हो सकता है यहाँ पर आपने कुछ सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। काफ़ी लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली के वजह से आपने ये डिसीजन लिया है, या फिर फैमिली के पास आ गए हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किस फैमिली से दूरी होगी। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है चैनल की। हो सकता है फैमिली से आप बहुत लंबे समय से दूर रहे हो, तो अब आप फैमिली के पास वापस जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका मन खाली सा है, आपका मन थोड़ा उदास सा है अभी। और फरवरी के मंथ में कहीं ना कहीं सब कुछ तो है, यानी कि आप जितना काम करोगे अपने फुल फेथ के साथ, अगर सच्चाई के साथ, आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो कुछ भी करते हो, उसमें ग्रोथ तो आपको ज़रूर मिलेगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पेशेंस की आपको ज़रूरत है। क्योंकि एक टाइम पर आपको काम करते करते ऐसा लगेगा ना कि आप सिर्फ काम ही करते चले गए हो अपने पिछले कई सालों से, बट आप जो ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में वो आपको नहीं मिला। थोड़ा खालीपन सा है, मुझे ऐसा काम को लेकर नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है आप पर्सनल लेवल पर ये फील करने वाले हो काम करते करते कि यार इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम और मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, मेरे अपने खुद के लिए तो वक्त ही नहीं है। तो आपको हो सकता है, ये हर्मिट की एनर्जी का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बात करता है कि एक मैच्योरिटी भी आ रही है, एक बैलेंस भी आ रहा है आपके वर्क में, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी कर रहे हो आप अपने वर्क को लेकर, जो पुराने पैटर्न्स थे उसको बदल रहे हो, कुछ नई चीज़ों को वेलकम भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बैलेंस भी हो रहा है, आपकी फैमिली खुश है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली खुश है, बैलेंस बनाने की जो कोशिश आप लंबे समय से कर रहे थे वो अब जाकर पूरी हो रही है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बात करता है ना कि आपकी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ रही है, और आप अपने आप को अब समय देना शुरू करोगे, और आप याद भी करोगे अपने उन बिताए हुए अच्छे पलों को, और इट विल बी ग्रेट फॉर यू। नाउ लेट्स सी कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। वी हैव द मून कार्ड, ऑलराइट, यहाँ पे आया है डोर टू रोमांस, ऑल राइट, यहाँ आया है द रेबेल। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कह रही स्मोकिंग ड्रिंकिंग, वो तो होती है ऑफ कोर्स, यहाँ पर है भी कुछ लोगों को स्मोकिंग ड्रिंकिंग की एडिक्शन है। ओकेशनली इज डिफरेंट एंड रेगुलर इज डिफरेंट। और हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो विदाउट लिमिट्स करते हो, जो आपकी फैमिली को भी नहीं पसंद हो, तो आपके हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत मुझे लूज दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा है कि या तो आप इतना ज़्यादा अपने आप को लेकर बिजी हो जाने वाले हो, यानी कि अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा आप अपने वर्क को लेकर या फिर अपने पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी हो जाने वाले हो कि आप अपने हेल्थ को बिल्कुल भी भूल जाओगे। तो फरवरी में जो आपका हेल्थ आया है वो कहीं ना कहीं 50-50 में आया है, यानी कि आप जितना ख्याल रखोगे उतना ही आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ऐसे कोई खास मुझे बीमारी या कुछ नहीं दिख रहा है, बट हेल्थ को कभी भी आप ना निग्लेक्ट मत करना, क्योंकि
हेल्थ का कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है. अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आपको हेल्थ चेकअप की भी ज़रूरत है, राइट? अपने हेल्थ को आप बहुत निग्लेक्ट करते हो. पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है, या फिर कमर दर्द रहता है, स्पाइन में आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ चेकअप ज़रूर कराएं, आपके लिए अच्छा रहेगा. और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर, आपकी माँ जो भी हैं, उनके हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा. चलिए देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी कौन सा कार्ड आता है यहाँ पे. वाओ, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, नाइस. हाँ, बॉस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 3-3 एंड वी हैव स्ट्रेस. ऑल राइट, तो जो फालतू की चिंताएं आप कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे थे पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, जो मैंने बोला भी चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, पर्सनल में भी, प्रोफेशनल में भी जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर भी, जो आपकी एक ओवर थिंकिंग करने की जो एक बीमारी है ना, तो उससे बाहर आए. क्योंकि ओवरऑल फेब्रुअरी की जो ब्लेसिंग है वो बैलेंस की ब्लेसिंग है, अबंडेंस की है, यानी कि जो भी बदलाव यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रही है वो आपके अच्छे के लिए आ रही है. अगर आप ज़बरदस्ती से प्रॉब्लम को इन्वाइट करोगे, या फिर ज़बरदस्ती ऐसा सोचोगे कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है या मेरे साथ बुरा होता है, तो फिर सिचुएशन भी वैसी ही रहेगी. तो थोड़ा ध्यान दे, ज़्यादा मत सोचे, क्योंकि आपकी बॉटम ऑफ द डेक भी काफ़ी अच्छा आया है. फैमिली को लेकर ग्रोथ ही आ रहा है, ओवरऑल अबंडेंस भी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, जो कि लंबे समय से आपकी लाइफ में मिसिंग थी. ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं अब टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आया है. ओके, ये कार्ड खुद से आया. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य बदल रहा है, समय जो है बदल रहा है आपका, एक बार में नहीं बदलता. वी हैव द एम्परर, आप देखो आपके लिए मेजर आर्कान आ रहे हैं, नाइस. वहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे एम्परर है, नाइस. किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंस, एक और कार्ड मैं लूंगी. आई एम सो सॉरी गाइस, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं. ओके ओके ओके, दिस कार्ड फ्लिप्ड. Three of Pentacles. All right. Bottom से क्या आया है आपके लिए टैरो से? Let's find out. Two of Wands का कार्ड आया है. All right. यहाँ रखती हूँ मैं. All right. So Cancer, Scorpio, Pisces. अगर मैं टैरो से बात करूँ आपके लिए, तो of course adjustment के लिए कार्ड जो आया था, adjustment possibilities, वो इसीलिए आया था क्योंकि बदलाव हमारे प्रकृति का नियम है. अगर चेंज ना हो, अगर बदलाव ना हो, तो हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये बदलाव कहीं ना कहीं आपके लाइफ में दो एस्पेक्ट में आ रहे हैं. सबसे पहले कि आपके करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, जो स्टेबिलिटी आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे वो आ रही है. दूसरी बात, अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसे हैं कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, यानी कि एक ऐसा है जिनसे आप प्यार करते हो, जिनको आप पसंद करते हो, और दूसरे ऐसे हैं जिनके प्रति आप अट्रैक्टेड हो. तो यूनिवर्स कह रही है हमेशा हर इंसान को, किसी भी इंसान को चुनने से पहले हमेशा उस इंसान की बुराइयां अच्छाइयां तो हम देख लेते हैं ना, कि सामने वाले को हमें चूज करने बोला गया है. नाउ द बॉल इज ऑन आवर कोर्ट, तो हमें चूज करने के लिए बोला गया है कि हम चूज करते हैं. हम हमेशा अपने आप को देखना भूल जाते हैं कि हमारे में क्या है, क्या हम परफेक्ट है, क्या हम सही है, जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर जो हमारी सोच है, जिस सोच से हम आगे बढ़ते हैं, या फिर जैसा हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी
अंडरस्टैंडिंग को लेकर क्या वो सही है। तो यहाँ पे कह रही है यूनिवर्स आपको कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हो सकता है आपके पास दो चॉइसेस आए, पहले से भी हो सकते हैं आपके लाइफ में दो चॉइसेस, और आपने हमेशा यू नो किसी को भी सीरियसनेस से नहीं देखा है, आपने हमेशा लोगों को एज एन ऑप्शन देखा है, ये मैसेज आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो यूनिवर्स कह रही है कि हाई टाइम है कि आप किसी को चूज करें और उनके साथ आगे बढ़े। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी आपको कह रहा है कि बैलेंस लाए, क्योंकि आपके लिए बॉटम से वहां पर जो है टेम्परेंस का कार्ड आया था, ये कार्ड आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ये कार्ड्स आए हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाएं। ऑल राइट, और अपनी सूझबूझ से यानी कि जहां पे प्यार से बात करना है वहां प्यार से, जहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज लगानी है वहाँ पे स्ट्रैटेजी और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े, लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर थर्ड पार्टी कोई इश्यूज है आपके लाइफ में, कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपको बॉदर कर रही है, उनकी एनर्जी डेफिनेटली फेड होने वाली है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, पर्दाफाश भी होने वाला है ऐसे पर्सन का। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक सपोर्ट जो आप ढूंढ रहे थे तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सपोर्ट भी आ रहा है, पावर है, अथॉरिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत जो नींव कहते हैं वो शुरुआत ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, क्योंकि साइकिल चेंज हो रहा है आपका, तो एक एक ओवरऑल आप कंप्लीशन की एनर्जी महसूस करोगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि हाँ कुछ तो बदला है, कुछ तो बदला है, और आपने जो पास्ट में डिसीजंस लिए हैं चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, आपने अपनी फ्रेंड्स बदल लिए, या फिर आपने अकेला रहना सीख लिया, या फिर आपने लव लाइफ छोड़ दी, आपने अपने आप को यू नो आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने पास्ट में डिसीजन लिए ना, इसके पीछे का जो कारण था वो ये था, उसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, आपको सिखाया भी जाएगा, आप आगे भी बढ़ोगे, और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग भी दे रही है जो कि काफ़ी अच्छी है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो एटलीस्ट जिस भी डीटी को आप मानते हैं, जिस भी भगवान शक्ति जिन्हें भी आप मानते हैं, उनके प्रति यू नो थोड़ा सा अपना समय निकालें और उन पर ट्रस्ट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल बनिए। मैं रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस होता है, मैं आपको कह रही हूँ थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, तो जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलते ना वहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। वी हैव नथिंग इज येट सेट एट स्टोन। अगर आपने ऐसा सोच कर बैठा हुआ है कि अच्छा मैंने तो ऐसा सोच लिया कि ऐसा ही होगा, अब तो मुझे पता है कुछ भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होने वाला, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर की लकीर है। राइट, सो एनीथिंग कैन चेंज, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, जैसे कि मैंने बोला था कि दो चीज़ें हैं आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो ये है कि जहाँ पे आपको अच्छा बनना है, जहाँ पर आपको दिल से काम लेना है तो दिल से लीजिए, और जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे दिमाग लगाइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड, तो प्रॉस्पैरिटी ओवरऑल है आपके लाइफ में, इसको लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। नाउ लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस फॉर यू। क्या है आपके लिए चैनल मैसेजेस? नहीं, इतने नहीं चाहिए मुझे, आपके लिए कार्ड्स उछल उछल के आ रहे हैं। लेट्स सी, जो सच्चाई है उस सच्चाई को लेकर चलिए। हो सकता है उस सच्चाई में तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, बट एक बार तकलीफ होगी ना बार बार नहीं होगी, तो इस बात को याद रखिएगा। ऑल राइट, नहीं ओके, ये दोनों आना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। ट्रूथ, सच्चाई की मैं बात कर रही हूँ। वाह, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ, यानी कि सच्चाई में ही सारे गुण छुपे हैं। ओवरऑल ये कार्ड यही कहना चाहता है कि अगर आप सच्चाई के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हो, अभी मैं बोल रही थी चैनल मैसेज भी आ गया, तो अगर आप सच के साथ आगे बढ़ोगे तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगी। गाया, कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। अभी मैंने बोला आपको, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा अपना ध्यान लगाइए। रिलीजियस होना एंड स्पिरिचुअल होना इज टू डिफरेंट थिंग। अगर आप रिलीजियस है बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्पिरिचुअल भी होते हैं, अगर आप मानते हैं इन चीज़ों को, इन चेंजेस को,
यूनिवर्स को, तो ये बदलाव ही आपके जिंदगी में उतना ही पॉसिबल आउटकम लेकर आएगा। ऑलराइट, तो गाइस ये थी आपकी एक रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।